बादल सागर चे हम सावन सापर से हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। तो आज हमने साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू किया है, अडाप्टेशंस का, हाउ एनिमल्स सर्वाइव। ठीक है, उसका मैंने आपको अडाप्टेशन टू द एनवायरनमेंट हमने कल पढ़ा था, तो उसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। लेट अस स्टडी अबाउट टू लैंड्स एरियाज हैविंग अपोजिट फीचर्स। तो चलो हम स्टडी करते हैं लैंड के बारे में, लैंड एरियाज के बारे में स्टडी करते हैं जिनकी अपोजिट फीचर्स है, जिनकी अलग खसूसियात है। ठीक है, जैसे लैंड फीचर्स एक डिजर्ट है और एक पोलर एरिया, एक डिजर्ट एरिया है और एक पोलर एरिया है। सी हाउ एनिमल्स लिविंग इन दोज एरियाज अडॉप्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट। तो क्या है, इन एरियाज में आपने एनिमल का हैबिटेट देखना है कि वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे वो जिंदा रहते हैं। एंड सी हाउ एनिमल्स लिविंग इन दोज, तो आपने देखना है कि जो हमारे जानवर हैं वो उन एरियाज में कैसे रहते हैं जहाँ पर उनका घर होता है, मतलब अपना हैबिटेट होता है। ठीक है, लाइक ए डिजर्ट और पोलर एरियाज में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिजर्ट के बारे में। तो डिजर्ट्स आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। तो डिजर्ट क्या होता है कि डिजर्ट जो एरिया होता है वो काफ़ी गर्म रहता है, ज़्यादा गर्म रहता है दिन में और रात के टाइम बहुत ठंडा रहता है, वेरी कोल्ड एट नाइट। एंड देयर इज़ वेरी लिटिल फूड एंड वाटर, देयर इज़ वेरी लिटिल, और वहाँ पर क्या है, पानी और खाने की जो चीज़ें होती हैं बहुत कम होती हैं। ठीक है, एंड पानी और पानी के ज़रिए, मतलब पानी और खाने की चीज़ें बहुत छोटी होती हैं या कम भी कह सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए वहाँ पे ग्रोथ बहुत कम होती है। एनिमल्स दैट लिव इन डिज़र्ट नीड टू, जानवर वो जो डिज़र्ट में रहते हैं उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्राम द हीट एंड कोल्ड, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, वो अपने आप को बचा सकते हैं किससे, हीट से, गर्मी से और सर्दी से अपने आप को बचा सकते हैं। सर्वाइव ऑन लेस फूड एंड वाटर, और मतलब क्या है कि वहाँ पर बहुत अपना जो लाइफ सर्वाइव करते हैं वो बहुत कम पानी में और कम खाने में वो अपनी वो लाइफ सर्वाइव करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में जो है प्लांटों की ग्रोथ बहुत कम होती है और पानी भी बहुत कम होता है। एंड थर्ड पॉइंट है कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी, और कंजर्व होता है बचाना, कि वाटर कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी, और जो मतलब वहाँ पे कोई बॉडी होती है चाहे एनिमल्स हो या लिविंग बींग्स कोई भी हो, तो वो पानी अपने लिए कैसे बचाता है, कैसे कंजर्व करता है। ठीक है, द कैमल लिव्स इन डिजर्ट, जो कैमल होता है, ऊंट होता है, वो रेगिस्तान में रहता है। इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, और वो बिना खाना और बिना खाने के और बिना पानी के बहुत सारे दिन जी सकता है। ठीक है, इट कैन ड्रिंक लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर एट वन टाइम, और वो क्या है कि लार्ज क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में वो पानी एक ही टाइम पीता है, और अगर हफ्ते तक उसको पानी नहीं दिया जाएगा तो वो जी लेगा। द हम्प, हम्प होता है उसके वो पीठ के ऊपर जो एक वो एक गोल सा नहीं होता ऊपर वो, तो उसको हम हम्प कहते हैं। द हम्प ऑन इट्स बैक स्टोर्स फैट, और उसके जो पीठ के ऊपर वो हम्प होता है वो काफ़ी एक फैट मतलब होता है, ठीक है, बैक के ऊपर। एंड इट गिव्स एनर्जी टू द कैमल व्हेन इट इज़ अनेबल टू फाइंड फूड, इट गिव्स एनर्जी, और वो एनर्जी देता है कैमल को व्हेन इट इज़ अनेबल टू फाइंड फूड, जब वो खाना ढूंढने में अनेबल होता है, मतलब उसमें उसको खाना नहीं मिलता है, तो वो उसको काफ़ी एनर्जी देता है जो हम्प होता है। द कैमल हैज़ ए थिक स्किन, और कैमल की काफ़ी जो है थिक जो स्किन जो होती है वो थिक होती है। इट गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, और उसकी जो चमड़ी होती है उससे वो अपनी गर्मी और जो सर्दी होती है उससे अपने आप को वो बचा सकता है। ठीक है,
ए कैमल आल्सो हैज़ पैडेड फीट टू मूव ऑन हॉट सैंड। और एक जो कैमल होता है उसके जो पाँव होते हैं वो काफ़ी एक पैडल की तरह होते हैं, काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं, और वो जब मूव करता है हार्ड सैंड के ऊपर तो वो बर्दाश्त कर लेता है गर्मी भी और सर्दी को भी। ठीक है, दे डू नॉट सिंक इन द सैंड। ठीक है, दे डू नॉट सिंक इन द सैंड, द पैडेड फीट आल्सो प्रोटेक्ट द कैमल फ्रॉम द हार्ड सैंड। तो वो क्या है कि अगर गर्मी भी चलेगा तो वो अपने आप को आराम से प्रोटेक्ट कर सकता है, मतलब कि उसको जो है उसके पाँव को ऐसी इतनी ज़्यादा जो है गर्मी नहीं लगती है जिसकी वजह से उसको फील हो कि मुझे गर्मी लगी है, और सर्दी भी उसको ज़्यादा फील नहीं होती है, चाहे जितनी भी हार्ड सैंड हो या जितनी भी आपका कोल्ड वेदर हो। ठीक है, हैव यू एवर ट्राइड वॉकिंग ऑन सैंड, तो आपने क्या कभी कोशिश की है सैंड पर चलने की। इज इट ईजी टू वॉक, क्या ये चलना आसान होगा या आसान है या टफ है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, और मैंने आपको जो ये पढ़ाया है इसका आप होमवर्क अच्छे तरीके से करोगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। और अगर कहीं आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट अगर है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको दोबारा समझा सकूं। ठीक है, और ये आप अच्छे से पढ़ना, और कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर भी मुझे बता देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, थैंक यू सो मच।